ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चुनावी प्रक्रिया के बारे में, यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व महापर्व भी इसे कहा जाता है। और इसमें आपकी और हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो वोटर है वो। इसलिए हमारा मकसद है कि हम आपको जागरूक करें, अवेयर करें और आपके अधिकार के बारे में जानकारी दें। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ईशा खोसला जी, जिला निर्वाचन अधिकारी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। तो जैसा कि हमने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये समझना भी बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे नागरिक अपने अधिकार को समझ सके, क्यों इसे बहुत बड़ा अधिकार कहा जाता है और एक मजबूत सरकार के गठन में हर एक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले हम चुनावी तंत्र के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होता है, जो सेंटर का चुनाव जिसको हम बोलते हैं, और राज्य सरकार चुनने के लिए विधानसभा का चुनाव होता है। दोनों ही चुनाव में जो हमारा स्वतंत्रता अधिकार है, जो हमारा लोकतंत्र का अधिकार दिया गया हमें, चुनाव का अधिकार, वो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक का अधिकार है। हम लोकसभा और राज्य और जो हमारा विधानसभा है, दोनों चुनावों में हम नागरिक द्वारा वोट करवाते हैं और अपनी सरकार खुद चुनते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा थर्ड टीयर है, पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनका चुनाव भी नागरिक द्वारा ही किया जाता है। और ये सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे भारत में। जो भी नागरिक 18 वर्ष का हो गया है, उस सबको एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग का अधिकार मिलता है। जी, तो सर मैम, अगर हम चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर क्या क्या होता है, एक नागरिक की जागरूकता के लिए हम जानना चाहें तो इस प्रक्रिया में होता क्या क्या है, कैसे इसे समझा जाए? जैसे अब आपने देखा कि हमारा चुनाव जो है अनाउंस हो गया, तो अनाउंसमेंट से लेकर काउंटिंग तक बहुत सारी प्रक्रिया रहती है। अनाउंसमेंट जब शुरू हो जाता है तो हमारा कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो लग जाता है। उसके बाद फिर हम नोटिफिकेशन करते हैं, जब जो हमारे प्रत्याशी हैं वो आके नॉमिनेशन भरते हैं, प्रत्याशी नॉमिनेशन भरते हैं और फाइनल सूची बन जाती है। उसके बाद हमारा जो पूरा तंत्र है, जो हमारा वो ईवीएम को प्रिपेयर करता है, ईवीएम की कमीशनिंग होती है और फिर वोटिंग करी जाती है। वोटिंग के फिर कुछ दिनों बाद हम उसकी काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग के बाद हम उसके रिजल्ट के बिहाफ पर अपनी हम सरकार चुनते हैं। जी बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जब हमारा एक वोटर जाता है वोट कास्ट करने के लिए, अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो कई बार नागरिकों में इसकी इस जानकारी का भी अभाव रहता है कि उसे वो वोट दे किसके लिए रहा है। क्या अपने राज्य के मुख्यमंत्री को चुनने के लिए यानी विधानसभा के लिए दे रहा है, या फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए? अभी जो हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये विधानसभा से कैसे अलग है, कैसे हमारे नागरिक समझे कि किसे वोट देने जा रहे हैं? ये जो हमारे लोकसभा के हैं, ये प्रधानमंत्री के चयन के लिए हैं। साथ ही साथ 5 राज्य ऐसे हैं जो साइमल्टेनियस चुनाव पे जा रहे हैं, तो उसमें नागरिक को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो दोनों के लिए वोट करेंगे, वो लोकसभा के लिए भी वोट करेंगे और अपनी विधानसभा के लिए भी वोट करेंगे। उन 5 राज्यों के अलावा सभी लोग सिर्फ लोकसभा के लिए वोट करेंगे, अपने प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वोट करेंगे। जी मैम, नागरिकों की भागीदारी, जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, उसकी नींव को और सुदृढ़ करने के लिए नागरिक ही सबसे बड़ा इसमें योगदान देने वाला है, उसकी भूमिका कैसे महत्वपूर्ण है, हम कैसे समझें कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं एक लोकतंत्र में? जैसा हमारा जो हम चुनाव प्रक्रिया है हमारी, वो पूरी की पूरी एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर है, पूरी की पूरी वोटिंग के ऊपर निर्भर है। तो हमारे जो ये प्रधानमंत्री के, जिसको हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं, लोकसभा चुनाव में एक एक वोट कीमती है। हम लोग वोट करके ही पूरा लोकसभा का कोरम बनाते हैं। इसी तरह विधानसभा के चुनाव में भी हमारे नागरिक ही वोट करते हैं। तो वोट एक हमारा ऐसा ताकत है, जिससे एक एक नागरिक जो है अपनी उस ताकत का प्रयोग करके अपनी सरकार खुद चुनता है। जी, कौन कौन वोट दे सकता है और कौन कौन वोट नहीं दे सकता है, उसके लिए कैसे समझा जाए, इस फर्क को कैसे जाने कि हाँ, एक तो ये हर किसी का राइट है एक तरीके से तो वोट देने का, लेकिन क्या कोई ऐसे भी हैं जो प्रतिबंधित होते हैं, जिन्हें वोट नहीं देने का राइट होता है, या फिर कौन कौन लोग वोट देने के लिए सक्षम है और जिन्हें अपने इस मत के अधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति है? जैसा कि हमने कहा, भारत में 18 वर्ष से ऊपर जितने लोग हो जाते हैं, सभी लोग वोट देने के लिए सक्षम है, भले वो महिलाएं हों, पुरुष हों, हमारे दिव्यांग लोग हों, हमारे ट्रांसजेंडर लोग हों, सभी लोग वोट कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया सिर्फ हम लोग फॉलो करते हैं, 18 वर्ष की आयु से ऊपर सभी लोग हमारे वोट कर सकते हैं। जी, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि 18 वर्ष की कट ऑफ डेट होती है, पूरे साल के अंदर 4 कट ऑफ डेट हैं, तो अगर आप उन 4 कट ऑफ डेट पर 18 वर्ष के होते हैं, उस दौरान आपका वोटर कार्ड बनता है, जो एक हर क्वार्टर की पहली तारीख है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 फिर अक्टूबर। तो इन डेट्स पे आपको 18 वर्ष का होना जरूरी है, तो आप वोट, आपका एपिक कार्ड जब बन जाएगा और एक बार आप वोटर लिस्ट में आ गए, तो आप वोट दे सकते हैं जिस भी चुनाव में आप
लोकसभा के चुनाव में, अपने विधानसभा के चुनाव में, जी अपने नगर पालिका के चुनाव में सब में वोट दे जी सकते हैं। यानी ये एक कह सकते हैं कि सुधार किया गया है। पहले होता था कि अगर आप 18 साल के हो भी गए हैं तो एक साल का आपको इंतजार करना पड़ता था, तब तक वो चुनाव वो वोट करने का समय आपका निकल गया। तो ये एक सुविधा कहें या फिर एक सुधार किया गया है कि आप साल में चार बार कर सकते हैं। अब आप देखिए, इस लोकसभा चुनाव में भी जो 1 अप्रैल तक भी बच्चे 18 साल के हो गए, तो 19 अप्रैल को पहला हमारा चुनाव की डेट है, तो 1 अप्रैल तक जितने लोग हो गए वो सब एलिजिबल हो जाएंगे। अगर उन्होंने अपना नाम सूची में दायर करवा दिया है तो वो लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। जी, तो अब वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी की जैसे आपने बात कही मैम, तो इसी पर आ जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो 18 साल का ही अप्रैल में ही पूरा हो रहा है, मतलब वोटिंग से पहले, और अगर हमें यूथ सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं और वो अपने इस मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करें इसके लिए? उनको सबसे पहले, जो भी बच्चे 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे, उनको आज ही अपना फॉर्म 6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाना चाहिए। और फॉर्म 6 भरना बहुत आसान है, आजकल आप ऑनलाइन भर सकते हैं या अपने BLO को बुला के उससे भरवा सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप से भर सकते हैं, या दिल्ली के अंदर तो वोटर VERC सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म फिजिकली भी दे सकते हैं। पूरी सुविधा है, उपलब्ध करी जाती है कि एक जो हमारा प्रोस्पेक्टिव वोटर है वो किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दे। जी, और ये वोटर लिस्ट किस तरीके से तैयार की जाती है? वोटर लिस्ट जैसे अभी आप लोग, हमारा एक स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था पूरे देश भर में, तो उसमें 1 जनवरी 2024 तक जितने लोग हमारे 18 साल के हुए थे, तो वो एक ड्राफ्ट, एक हमारा फाइनल रूल बनकर तैयार हो गया है। अब 1 अप्रैल तक जितने लोग भी हमारे 18 साल के हो जाएंगे, तो हमारी एक और सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलेगी, तो हमारा एक मेन रोल हो जाएगा और एक सप्लीमेंट्री रोल हो जाएगा, जिसमें जितने लोगों का नाम आएगा वो सब एलिजिबल रहेंगे। मैम, एक व्यवहारिक समस्या ये आती है कई बार कि हम वोटिंग से जाते हैं वोट देने के लिए और कई लिस्ट में नाम ही नहीं होता है, तो एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है उसका, उससे अपने स्तर पर क्या क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए जब उसके क्षेत्र में जिस दिन भी वोटिंग की तारीख है उससे पहले उसे अपने स्तर पर क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा कि कई बार ऐसा होता है वोटिंग, हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं और देखते हैं हमारा नाम ही नहीं, तो इसलिए हमारे, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर चेकिंग होती रहती है, हमारे BLOs जाके होम टू होम, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करते हैं, तो हो सकता है उस टाइम वो नागरिक कहीं बाहर गया हो और उसको एब्सेंटी वोटर में डाल दिया गया हो। इसीलिए अभी चुनाव जैसे 19 से शुरू हो रहे हैं और दिल्ली का चुनाव 25 मई को है, तो सभी नागरिकों को अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लेना चाहिए। अगर उनकी फ़ोटो में कोई मिसमैच है या अगर उनको लगता है कि उनका एपिक कार्ड नहीं आया, तो डुप्लीकेट एपिक के लिए अप्लाई कर दें, और अगर उनका नाम डिलीट हो गया है किसी भी कारणवश कि वो शिफ्ट हो गए थे और अब दोबारा यहाँ पे हैं, तो दोबारा अपना नाम वो ऐड भी करवा सकते हैं। अगर उनका पता बदल गया है, एक जगह से वो दूसरी जगह पर चले गए, तो अपना पता भी अभी वो बदलवा सकते हैं। जी, एक चीज़ और मैम होती है कई बार कि जैसे आपने पता बदलने की बात कही, तो अगर आपका घर एक दूसरे राज्य में भी है, आप दिल्ली में भी हैं, और कई बार लोग दो दो जगह का वोटर ID रखते हैं, तो पहले ये बताएं कि ये कितना गलत है और अगर ऐसा है तो इसे कैसे फिल्टर किया जा रहा है? दो वोटर आईडी करना एक अपराध है, क्योंकि हमें एक ही वोटर, एक ही जगह पे हमें वोटिंग देने का अधिकार है, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे हम बोलते हैं, तो एक अधिकार ही है हमें, एक जगह पर भी हम मतदाता हो सकते हैं। इसको फिल्टर करने के लिए एक आधार के साथ लिंकिंग शुरू हुई है, जो कंपलसरी नहीं है, बट जो वॉलंटरली नागरिक जो है अपने आधार को लिंक करवा सकते हैं, तो इससे आधार से लिंकिंग होने से, और काफ़ी नागरिक बढ़कर आगे भी आए हैं, 50% से ऊपर नागरिकों ने आकर अपना आधार लिंक भी करवा दिया है जैसे, तो जब नागरिक अपना आधार लिंक करवा देते हैं तो उस एक आधार के ऊपर एक ही एपिक बन जाता है। दूसरा, इसके अंदर चुनाव आयोग की भी प्रक्रिया है, उसमें वो एक डुप्लीकेट वोटर्स को फिल्टर करते रहते हैं और हर राज्य के साथ कर देते हैं कि हमारा इतने वोटर्स जो हैं उनका नाम सूची में 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, भले ही वो एक ही राज्य में 2 बार आ रहा है या भले ही 2 राज्यों में अलग अलग आ रहा है, तो ये चुनाव आयोग भी हमेशा ये सूची देती रहती है कि ये डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्रीज हैं, तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ रोल का काम पूरे साल चलता रहता है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर नागरिकों को भी इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास दो वोटर आईडी, पहली बात तो गलत है, एक तरह का अपराध है जैसे आपने बताया, और एक ही जगह ही अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करें, तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना होगा। अब मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे नागरिक ऐसे भी हैं जो वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाते हैं, जिसमें दिव्यांगजन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, या फिर कोई उस प्रदेश में नहीं है जहाँ पर
वोट उसे देना है, तो इनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? सबसे पहले हम आते हैं बुजुर्ग लोगों पे। तो चुनाव आयोग ने इस बार, जैसा आप लोगों को हमारे नागरिकों को पता होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो 85 ईयर से ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं हमारे, 85 साल से ऊपर, उनको घर से वोटिंग करने की सुविधा है। BLO आके उनको फॉर्म 12D देगा, वो 12D भर के बता सकते हैं कि वो घर से वोटिंग करना चाहते हैं या वो पोलिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर आएंगे। और अगर वो अपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं कि वो घर पर वोटिंग करना चाहेंगे, तो हमारा पूरा पोलिंग का टीम उनके घर जाता है और उनके घर जाके उनसे पोस्टल बैलेट भरवा के लेकर आता है, विद मेंटेनिंग द सीक्रेसी ऑफ द वोट। और दिव्यांग जनों के लिए भी, जो 40% ऊपर जो हमारे डिसेबिलिटी रहती है, उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ पोलिंग वाले दिन हम लोग व्हीलचेयर्स का इस प्रबंध करके रखते हैं और ई रिक्शा का प्रबंध भी हम जैसे अपने क्षेत्र में करके रखते हैं, जिससे हम नागरिकों को, जैसे बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या दिव्यांग लोग हैं, उनको हम पोलिंग बूथ तक लेकर आ सकें। तीसरा जो आपका सवाल था कि अगर कोई दूसरे प्रदेश में रहता, तो उसमें एक कैटेगरी तो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जो हमारे डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं, उनको ये पोस्टल बैलेट करने का अधिकार है। बाकी सभी लोगों को उस दिन एक दिन की छुट्टी मिलती है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहती हैं लेकिन आपका वोट हरियाणा में और आप हरियाणा जाके वोट करने चाहती हैं, तो उस दिन आप हरियाणा जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आप छुट्टी लेकर, स्पेशल हॉलीडे लेकर वहाँ पर वोट करने जा सकती हैं। जी, इसके साथ ही मैम ये भी मैं जानना चाहूँगी कि कई बार लोग ये तो समझते हैं वोट देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जान रही हैं पारा भी धीरे धीरे बढ़ता है और गर्मियों में आमतौर पर हमारे जो चुनाव होते हैं, पोलिंग बूथ पर किस किस तरह की व्यवस्था की जा रही है जिससे लोगों को इस तरह की असुविधा ना हो और कोई इस तरह की अप्रिय घटना भी ना हो जिससे वोट देने के अधिकार पर किस तरह का फ़र्क पड़े? पोलिंग बूथ पर हम लोग सबसे पहले एक वेटिंग एरिया बनाते हैं जिसमें हम वेटिंग शेड बनाते हैं ताकि किसी को धूप में खड़ा ना होना पड़े। पानी की व्यवस्था रखते हैं, एक क्रश की व्यवस्था रखते हैं, जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई हैं वो बच्चों को वहाँ छोड़ सकती हैं। साथ ही साथ वहाँ पे हमारी एक मेडिकल टीम रहती है कि कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है या किसी को कुछ भी इशू होता है तो वो मेडिकल टीम इमीडिएट उसका रिड्रेसल करती है। तो हम पोलिंग बूथ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं जिससे हमारे जो नागरिक हैं उनको वोट देने में कोई भी परेशानी ना आए। बिल्कुल, तो ये सुविधाएं जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर की जा रही है और हर बार हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ और बेहतर ही होता है, इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। ये हम नई सरकार चुनने की प्रक्रिया में हैं, तो ऐसे में जब एक वोटर वोट देने जाता है तो वो अपने स्तर पर किन बातों का ध्यान रखे? एक तो ये हुआ कि उसका वोटर आईडी में नाम हो और वोटर लिस्ट में हो, लेकिन अपने विवेक का कैसे इस्तेमाल करें कि अच्छी सरकार आए, उसके लिए किस तरह की अवेयरनेस की आवश्यकता है? जैसे हमारे जो नागरिक हैं उनको आजकल तो जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स और बच्चों की पाठशाला, चुनाव पाठशाला भी रहती है, तो इसलिए हमने कॉलेजेस और हमारे स्कूल्स हैं उसमें इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए हैं जिसमें इन सब की बातों की वो लोग घोषणा करते हैं, एक तरह से एक बातचीत करते हैं जिससे हमारे जो युवा है स्पेशली वो एक सोचा समझा डिसीजन लें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, क्या उनके लिए सही है और कैसा वो चाहते हैं उसके विहार पर वो डिसीजन लें। जी, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए क्या किया जा रहा है मैम कि महिलाएं घरों से निकलें और पोलिंग बूथ पर पहुंचे, चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो, बहुत ज़्यादा स्थिति में फ़र्क नहीं है, तो उसको लेकर क्या किया? महिलाओं के लिए अभी हमारा दो लेवल पर महिलाओं को वोटिंग देने के लिए हमारा प्रयास है। पहला प्रयास है कि उनका वोटर में वोटिंग लिस्ट में इनरोलमेंट कराना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि महिला शादी करके आ जाती है पर एड्रेस चेंज नहीं होता, तो जैसा अभी हमने बोला हमारा पूरा प्रयास इस पे है, हम लोगों को जागरूक करें, हर एरिया में जाके जागरूक करके काइंडली आप लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा लीजिए या माइग्रेशन है तो उसको माइग्रेशन करवा लीजिए। सबसे पहले वोटर्स हमें महिलाओं को वोटर लिस्ट में ऐड करवाना है। दूसरा हमारा, हम स्वीप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें हम महिलाओं को आगे आकर वोटिंग देने का प्रयास करा रहे हैं, और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि दिल्ली के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है महिलाओं की और पुरुष की वो सेम है ऑलमोस्ट, महिलाओं की परसेंटेज पुरुष से कम नहीं है, इनरोलमेंट में ज़रूर फ़र्क है। तो इसीलिए मेन फोकस हमारा रहता है कि महिलाओं को इनरोल करवाना ताकि जब जो महिलाएं अब दिल्ली में रह रही हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। जी बिल्कुल, महिलाओं को और प्रेरित किया जा रहा है, वो भी समझे कि उनकी भूमिका यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, आधी आबादी है वो। अब मैम यूथ पर आते हैं, यूथ जो एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमिका होती है, यूथ अगर ये कोई चीज़ ठान ले तो वो निश्चित है कि वो होगा। इसी तरीके से एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए यूथ को प्रेरित करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? हम यूथ के लिए इस बार का जैसे चुनाव आयोग का है और हमारा फोकस है कि हम लोग यूथ को भी, युवा को वोटर करवाएं, तो हम स्वीप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उससे हम युवा को प्रेरित कर रहे हैं कि वो खुद भी वोटिंग करने जाएं और अपने आसपास सभी लोगों को लेकर जाएं कि ये जो चुनाव का पर्व है इसको एक पर्व की तरह, जैसे हम
होली या हमारे कोई भी त्यौहार होते हैं उसमें युवा जो है बहुत उत्सुकता से भागीदारी करते हैं और पूरे परिवार को पूरे दोस्तों को शामिल करके उस पर्व को मनाते हैं। उसी तरह चुनाव के पर्व को भी वो अपने सभी दोस्त परिजनों को शामिल करें, इसके लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए हमने अपने जो कॉलेजेस हैं उनके NSS वॉलंटियर्स कॉलेजेस के बच्चों को हमने अपने साथ जोड़ा है, जो अपने कॉलेज के साथ साथ अपनी कम्युनिटी में जाके भी लोगों में ये संदेश दे रहे हैं कि जो दिल्ली का वोट है 25 मई को वो लोग जाकर ज़रूर वोट करें। तो युवा बहुत बढ़ चढ़ के हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं बहुत आगे आ रहे हैं इस मुहिम में। जी मैम, इसके अलावा जैसे कि आपने बताया युवाओं का आपको रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज को हर बार बढ़ाने का प्रयास होता है और जितने हम बातचीत करने में अपनी उत्सुकता दिखाते हैं इलेक्शंस को लेकर, वोट देने में कहीं वो फीकी पड़ जाती है। तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो, और ख़ास तौर पर शहरों में भी हम देखते हैं कि जो पॉश इलाके हैं वहाँ की वोटिंग हमेशा कम रहती है। तो ये जो डिस्पैरिटी है गांव और शहर में वोटिंग को लेकर के, या फिर निराशा तो नहीं कहेंगे लेकिन उतना रुझान और बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? हम स्पेशली इस बार अर्बन अपैथी को एड्रेस करने के लिए बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, स्वीप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनसे जाकर बातचीत कर रहे हैं RWS से कि क्या वजह है, किस वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। तो जैसे एक तो हो गया बुज़ुर्ग लोग नहीं आ पाते थे, तो 85 साल से ऊपर लोगों को अब तो घर जाके वोट करने की, घर पर ही वोट करने की फैसिलिटी उपलब्ध है। इसी तरह हमारे जो बाकी युवा लोग हैं या बाकी जो 29 से 60 वर्ष के भी लोग हैं या 85 वर्ष के जिनको पोलिंग स्टेशन पे आना है, पोलिंग स्टेशन का भी हम इस एनवायरनमेंट इतना अच्छा बनाते हैं ताकि किसी को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, और वेट अगर करना भी पड़े तो उसको एक अच्छा सा वेटिंग एरिया मिले जहाँ पे वो बैठ के अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत कर सके जब तक वो वोटिंग करने नहीं जा रहा है। तो एक अच्छा माहौल, एक उत्सव का माहौल बना रहे हैं ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारी युवा हैं और जो हमारी युवा बुजुर्ग पीढ़ी भी है, वो भी आकर वोट करें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने भाई एक सोशल फैब्रिक भी और मजबूत हो एक तरीके से, चाहे आप वोटिंग भी करने जा रहे हैं तब भी। मैम, तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तकनीक हम देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स किस तरह से चुनाव शुरू हुए थे और कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, EVM इंट्रोड्यूस हुआ, अब किस किस तरह की तकनीक हम देख सकते हैं, क्योंकि अब तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स AI का युग आ गया है। तो जब हम तकनीक के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ रहे हैं तो चुनावों में तकनीक किस तरह से, चुनावों की तकनीक में एक तो वोटिंग में एक जो हमारे पहले हम सर्विस वोटर्स को हम फॉर्म्स भेजते थे, अब वो ETPBS भेजते हैं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली उनको भेजा जाता है वो फॉर्म। दूसरा जो अब बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जिससे हमारे जो लोग हैं वो, जैसे नो योर कैंडिडेट ऐप से आप आपके कैंडिडेट के बारे में जितनी उसमें इन्फॉर्मेशन है वो जान सकता है। फिर एक CVIGIL ऐप आ गई है कि अगर आपको किसी का कंप्लेंट करनी है आप CVIGIL ऐप पे अपलोड कर दीजिए, वो कंसर्न RO के पास पहुंच जाती है। सिमिलरली वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप पे आप अपना BLO चेक कर सकते हैं कि आपका BLO कौन है, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपना पूरा वोटर लिंक लिस्ट का पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की ऐप्स बन गई हैं। एक फिर एक एनकोर ऐप बन गई है और जिसका नाम है सुविधा ऐप है जिसमें कैंडिडेट अब अपना नॉमिनेशंस भी चाहे तो वो उसमें भर सकते हैं। तो तकनीकी उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐप्स नागरिक की सुविधा के लिए, कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए बनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें इस चर्चा में निकल कर आई और आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया, क्योंकि अब बातचीत को मुझे समाप्त करना होगा। तो अंत में हमारी जो दर्शक हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, और जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि ये इसे एक फेस्टिवल की तरह ले, जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं उसी तरीके से इसमें भी अपनी भूमिका निभाएं। इसमें बस हम यही कहना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं कि आप लोग ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम जो है इलेक्शन इलेक्टोरल रोल में है, सूची में है, और जिस दिन भी आपका चुनाव का डेट है, जैसे दिल्ली का चुनाव का डेट है 25 मई, जाके ज़रूर अपना वोट देकर आइए, अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा फेस्टिवल की तरह उसे मनाइए और वोट देके ज़रूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमने सरकार आपके साथ में बात की चुनावी प्रक्रिया के बारे में, और साथ ही कैसे आप नागरिक के तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखें, और हाँ वोट देने ज़रूर जाएं।